हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। एक बहुत ही ज़्यादा आसान सी डिज़ाइन, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सी प्यारी सी डिज़ाइन मैं आप लोगों के लिए आई हूँ। ये डिज़ाइन बहुत ही इजी है और आसानी से बुनाई भी इसकी बढ़ती है। तो ये टोटल 12 सिलाइयों में बनने वाली डिज़ाइन है और 10 फंदे के मल्टीपल से ये डिज़ाइन बनेगी। तो इस डिज़ाइन को किसी भी तरह के हम प्रोजेक्ट पे बना सकते हैं, बच्चों के स्वेटर में, बड़ों के स्वेटर में, सभी में डाल सकते हैं। ये देखिए, ये इस तरह से पीछे उभरी हुई है और ये फ्रंट साइड है। तो फ्रेंड्स, इसे स्कार्फ, स्टॉल, शॉल वगैरह में भी डाल सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सी डिज़ाइन है, लाइट कलर में तो बहुत ही ज़्यादा उभर के आती है। तो चलिए इस डिज़ाइन को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने सिलाई पे जो फंदे रखे हैं, 10-10 के फंदे, मल्टीपल से मैंने फंदे सिलाई पे डाले हैं और 10-10 और 9 फंदा एक्स्ट्रा। तो इस तरह से 29 फंदे टोटल हो रहे हैं। इसके बाद मैंने इसको हम एक सिलाई भी नहीं बुनेंगे क्योंकि डिज़ाइन तुरंत फंदा डालने के बाद स्टार्ट होने वाली। तो चलिए बुनाई स्टार्ट करते हैं। फंदा स्लिप करके, फंदा आगे करके एक दो फंदे उल्टे बुनेंगे, दो फंदा उल्टा, उसके बाद 3 फंदे का एक फंदा करेंगे उल्टा बुनते हुए, पर 3 स्टिचेस, 3 फंदे उल्टे बुनेंगे। थोड़ा सिलाई टाइट है क्योंकि फंदे अभी डालने के बाद सिलाई फंदे नहीं बुने गए हैं, तो इसलिए थोड़ा फंदे बुनने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, प्रॉब्लम आएगी। तो फिर उसके बाद 3 का एक किया, फिर 2 का एक, दो फंदा स्लिप किया, दो फंदा उल्टा, 3 फंदे का एक फंदा, दो फंदा उल्टा, फिर उसके बाद एक फंदा सीधा, फिर एक फंदे में से एक फंदे को हम 3 फंदा बनाएंगे, एक सीधा फंदा आगे करके फिर एक सीधा। तो इसमें हमने 2 उधर घटाए थे तो यहाँ पे हमने 2 फंदे बढ़ा दी के मेंटेन कर लिए। इसके बाद एक फंदा फिर से सीधा, तो ये हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया। अब सेकंड पैटर्न हमारा फिर से शुरू होगा, दो फंदा उल्टा, दो फंदा उल्टा, फिर 3 फंदे का एक फंदा उल्टा बुनते हुए, 2 स्टिचेस पर्ल, 2 स्टिचेस, फिर पर्ल 3 टुगेदर, 3 फंदा उल्टा बनेंगे, फिर 3 फंदा उल्टा बनने के बाद फिर से हम 2 फंदा उल्टा। तो ये थोड़ा सा फर्स्ट रो हमारी थोड़ी सी दिक्कत से बनाई जाएगी, फिर आगे हमें ये प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि अभी हमने तुरंत फंदे डाल के बुनाई स्टार्ट की है। तो 3 फंदे का एक फंदा उल्टा बनते हुए, फिर 2 फंदे उल्टे, फिर एक फंदा सीधा, एक फंदे में हम 3 फंदा, एक फंदे को 3 फंदा करेंगे तो एक फंदा सीधा, फिर फंदा आगे करके फिर दोबारा एक फंदा सीधा। तो ये 3 फंदे बन गए, फिर एक फंदा सीधा और एक फंदा, दो फंदे उल्टे, फिर से 3 फंदे का एक फंदा उल्टा बनते हुए, पर 3 टुगेदर, फिर पर 2 स्टिचेस और एक फंदा सीधा। तो ये हमारी इस तरह से फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई। सेकेंड रो में पूरी सिलाई उल्टी बुननी है। इस डिज़ाइन में 12 सिलाइयों की डिज़ाइन है तो सारी उल्टी साइड पे, हमें रॉन्ग साइड पे पूरी सिलाई को उल्टा बुनना है, पर्ल ऑल द स्टिचेस करना है। तो और फिर बाकी सीधी साइड में ही जो डिज़ाइन बननी है वो बननी है। 3 सिलाइयों में जो डिज़ाइन बनेगी उसी डिज़ाइन को फिर अगले में भी वही बनेगी, बस जगह शिफ्ट हो जाएगी। तो ये हम उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बना लेंगे, पर्ल ऑल द स्टिचेस।
ये हमारी सेकेंड रो है। अभी मैं फिर सेकेंड एक बार मैंने ये उल्टी सिलाई बुन ली है, आगे से मैं उल्टी सिलाई नहीं बनाऊंगी, सिर्फ सीधी साइड की ही डिज़ाइन बना के दिखाऊंगी। अब हम थर्ड रो पे हैं, तो थर्ड रो में देखिए फंदा स्लिप करेंगे, तो अब हमारा एक फंदा उल्टा था, दो फंदा उल्टा था, तो इस बार हमारा एक फंदा उल्टा रहेगा, एक फंदा उल्टा और तीन फंदे का एक फंदा। तो ये तीन फंदे का एक फंदा, फिर एक फंदा उल्टा, फिर अब ये हमारा एक फंदा सीधा। अब तीन फंदे का जो एक फंदा किया था तो उसमें का एक फंदा हम सीधा बुन लेंगे, और बीच का जो सेंटर का फंदा था इसमें हमें फिर से तीन फंदे बनाने हैं, एक सीधा फंदा आगे, एक सीधा, फिर एक उस साइड का एक फंदा सीधा बुन लेंगे और एक फंदा सीधा। तो इस तरह से ये बुन लेंगे, हमारा पैटर्न कंप्लीट हुआ। और अभी देखिए ये हमारा पूरा पैटर्न कंप्लीट हो गया। अब इधर हमें फंदे उल्टे बुनने हैं, तो पहले हम एक फंदा उल्टा बुनेंगे, उसके बाद अब तीन फंदे का एक फंदा उल्टा बुन लेंगे, नीट थ्री टुगेदर, सॉरी पर्ल थ्री टुगेदर, फिर पर्ल वन स्टिच, फिर सीधा नीट वन, फिर नीट वन, फिर इतने एक फंदे का तीन फंदा करना है, एक सीधा एक फंदा आगे करके एक सीधा, फिर दो फंदे सीधे, फिर एक फंदा उल्टा, फिर से तीन फंदे का एक फंदा, तीन फंदे का एक फंदा, फिर एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा। तो ये हमारी सिलाई थर्ड रो कंप्लीट हो गई। उल्टी सिलाई हमारी सारी उल्टी उल्टी बननी है, तो सारे फंदे हम उल्टे बुन लेंगे और पर ऑल द स्टिचेस। तो हमारी चार सिलाइयाँ हो गई, अब इसे हम पूरा कर लेंगे उल्टा बुनते हुए। अब हमने उल्टा बना लिया, अब पाँचवीं रो पे हैं, तो फंदा स्लिप करेंगे। अब इस बार हमारे तीन फंदे एक फंदा सीधा बुनने के बाद तीन फंदे का एक फंदा करना है, तो हमने तीन फंदे का एक फंदा कर लिया, फिर एक फंदा सीधा, फिर ये एक और दो फंदे सीधे बनने के बाद जो बीच का फंदा है सेंटर का तीन बनाया था उसको फिर से तीन फंदा बनाना है, सीधा फंदा आगे, फिर सीधा, फिर एक दो और तीन फंदे सीधे, फिर तीन फंदे सीधे बनने के बाद अब ये देखिए एक फंदा आगे करके तीन फंदे एक साथ हमें उल्टा बुन लेना है। ये सारे फंदे ख़त्म हो गए, फिर एक दो तीन फंदे सीधे, फिर बीच के सेंटर के फंदे में तीन फंदे का एक फंदा करना, एक फंदे से तीन फंदा करना है, सीधा आगे करके फिर सीधा, फिर तीन फंदे सीधे, एक दो तीन फंदे सीधे, फिर से फंदा आगे करके तीन फंदे का एक फंदा कर लेना है उल्टा, फिर एक फंदा सीधा। तो इस तरह से ये हमारी पांचवी सिलाई हो गई। छठवीं सिलाई हमारी सारी उल्टी रहेगी, तो सारे फंदे हमें उल्टे बना लेने हैं, पर ऑल द स्टिचेस पर सारे फंदे उल्टे। तो इस तरह से ये हमारी छह सिलाइयाँ हो गई है। अगली छह सिलाई भी हमें इसी तरह बनाना है सेम, लेकिन हमारी बस जगह बदल जाएगी, ये जो हमने फंदे बनाए हैं उस जगह पे हमें फंदे उल्टे बुनते हुए घटाने हैं, और जो हमने उल्टे बुन के फंदे घटाए हैं वहाँ पे फंदे बढ़ाने हैं सीधा बुनते हुए। तो चलिए फंदा स्टार्ट करते हैं। फंदा स्लिप, एक फंदा सीधा बुन लिया, फिर अब ये एक फंदे जो फंदा फर्स्ट फंदा है इसमें एक का तीन किया, फंदा सीधा, फंदा आगे सीधा, फिर एक फंदा सीधा बुन लिया। अभी देखिए ये जो फंदे हमने पूरे बढ़ाए थे इन फंदों को हमें घटाना है, तो इसमें दो फंदा उल्टा, तीन फंदा का एक फंदा उल्टा, फिर दो फंदा उल्टा, दो फंदा उल्टा, फिर एक फंदा सीधा। अभी देखिए इस एक जो फंदा उल्टा से एक हो गया था उसको तीन फंदा बनाना है, एक सीधा फंदा आगे करके फिर एक सीधा, फिर से हमें एक फंदा सीधा बनेंगे, फिर दो फंदे उल्टे, एक दो, फिर तीन फंदे का एक फंदा उल्टा बनेंगे,
फिर एक दो फंदा उल्टा, फिर एक फंदा सीधा, फिर उसके बाद एक फंदे में तीन फंदा सीधा, फंदा आगे करेंगे फिर सीधा, एक फंदा लास्ट का सीधा। तो ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई। ये हमारी सेवेंथ रो है। एट्थ रो हमारी सारी फंदे उल्टे बुन लिए जाएंगे, पर्ल ऑल द स्टिचेस। सातवीं सिलाई पूरी उल्टी, सॉरी आठवीं सिलाई, फिर ये हम पूरा उल्टा बुन लेंगे। तो ये मैंने बुन लिया उल्टी सिलाई, आठ सिलाइयाँ हो गई। रो नाइन्थ पे है, तो अब रो नाइन्थ में देखिए फंदा स्लिप करेंगे। अब ये तीन फंदे का एक फंदे का तीन किया था, तो इसका एक फंदा हम लास्ट स्टार्टिंग का सीधा बुन लेंगे। बीच के फंदे में तीन फंदा फिर से करेंगे, सीधा फंदा आगे सीधा, फिर एक फंदा सीधा, अब इसके बाद फिर एक फंदा सीधा। और अब ये देखिए यहाँ फंदे उल्टे से घट रहे हैं, तो दो फंदा उल्टा था, अब एक फंदा उल्टा और बीच के तीन फंदे उल्टे, तीन का एक पर्ल, थ्री टुगेदर, फिर पर्ल वन स्टिच, फिर एक सीधा और फिर एक सीधा और बीच के जो तीन फंदे में सेंटर के फंदे में तीन फंदे का एक फंदा, फिर एक सीधा। तो इस तरह से दो सीधा, दोनों तरफ दो सीधे, तीन फंदे, एक फंदे का तीन फंदा और दो सीधा, फिर तीन फंदे का एक उल्टा और तीन फंदे का एक फंदा उल्टा, फिर एक उल्टा, फिर एक फंदा सीधा, फिर एक दो फंदा सीधा, फिर एक फंदे में तीन फंदा बनाएंगे, फिर दो फंदा सीधा। तो इस तरह से ये लास्ट की नाइन्थ रो हो गई। तो टेंथ रो हमारी पूरी उल्टी रहेगी, सारे फंदे उल्टे उल्टे बना लिए जाएंगे। ये उल्टे बना लिए जाएंगे सारी सिलाइयाँ। अब ग्यारहवीं सिलाई में हमारी फंदे और भी चेंज घट जाएंगे, फंदा स्लिप करके। अब ये देखिए दो फंदे हमारे सीधे बने जाएंगे, तो ये हमारे दो फंदे सीधे, और बीच के सेंटर के फंदे में तीन फंदे बनाएंगे, सीधा फंदा आगे करके सीधा, फिर एक फंदा सीधा। अब ये देखिए, तो ये हमारे साइड में तीन फंदे सीधे, तीन फंदे सीधे, एक फंदे में तीन फंदा सीधा, फिर तीन फंदा सीधा, फिर तीन फंदे का एक फंदा उल्टा, फिर से वही एक दो तीन, तीन फंदे सीधे, फिर एक फंदे में तीन फंदा सीधा, फंदा आगे सीधा, फिर तीन फंदा सीधा, एक दो तीन, तीन फंदा सीधा, फिर तीन फंदे का एक फंदा उल्टा, फिर से एक दो तीन, तीन फंदा सीधा, फिर तीन, एक फंदे में तीन फंदा सीधा, एक दो एक सीधा फंदा आगे एक सीधा, फिर तीन फंदे सीधे। तो इस तरह से ये हमारी ग्यारहवीं सिलाई कंप्लीट हो गई। बारहवीं सिलाई हमारी पूरी उल्टी रहेगी, तो ये सारे फंदे उल्टे बुन लिए जाएंगे। ये सारे फंदे उल्टे बुन लिए जाएंगे। तो इस तरह से ये हमारी 12 सिलाइयों की डिज़ाइन कंप्लीट हो गई, और हमें इन्हीं 12 सिलाइयों को बार बार रिपीट करना है, तो ये हमारी डिज़ाइन बन जाए, कंप्लीट हो जाएगी, और वो डिज़ाइन हमारी आगे बढ़ती चली जाएगी। तो यही टोटल 12 सिलाइयों की डिज़ाइन है। तो देखिए ये हमारी डिज़ाइन ये इस तरह से है। जब ज़्यादा सी बनाएंगे तो ये डिज़ाइन इस तरह से दिखाई देगी। जो देख रहे हैं ये काफ़ी खूबसूरत सी डिज़ाइन है, बहुत अच्छी, बहुत ही प्यारी सी। और इस डिज़ाइन को हम किसी भी तरह के प्रोजेक्ट पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। बच्चों के स्वेटर में भी इसे डालेंगे तो बहुत ही अच्छा स्वेटर बनेगा। लाइट कलर में डिज़ाइन बहुत ज़्यादा उभर के नज़र आएगी। और बड़ों के स्वेटर में भी डाल सकते हैं, जेंट्स स्वेटर में भी इसे डाल सकते हैं। फ्रंट साइड में हम इसे डालेंगे तो डिज़ाइन अच्छी सी बन के तैयार होगी। तो
ये डिज़ाइन आपको समझ में आ गई होगी कि कितनी आसान सी डिज़ाइन है। ये 12 सलाइयों में डिज़ाइन है, तो उल्टी साइड 6 सलाइयाँ तो हमारी सारी उल्टी उल्टी ही है, इन्हीं बाकी 6 सलाइयों में मेरी डिज़ाइन बनानी है। 3 सलाई की डिज़ाइन ही है मेन, और 3 सलाई की डिज़ाइन को अगली 3 सलाई में रिपीट करना है। तो फ्रेंड्स अब मुझे इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर किसी नए डिज़ाइन के साथ आप लोगों से फिर मिलूँगी, कुछ नया लेके आऊँगी। आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। और आप लोगों का शुक्रिया, शुक्रिया बहुत।